हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल के ऊपर। और आज हम बात करेंगे कि किस तरीके से बाज़ारों में तेज़ी बनी हुई है और बाज़ार अपने हायर लेवल्स के ऊपर सस्टेन किए हुए हैं। और जनरली रिटेल जो इन्वेस्टर्स हैं, जो एफएनओ में ट्रेड करते हैं, अगर आप ज़्यादातर रिटेल इन्वेस्टर्स को देखेंगे तो मोस्टली जो है वो शॉर्ट साइड में बैठे हुए हैं, क्योंकि उम्मीद नहीं थी कि भाई इतना बाज़ार जाएगा। तो मोस्टली HNI ट्रेडर्स भी अगर आप देखेंगे तो एक बहुत बड़ा तबका जो है HNI इन्वेस्टर्स का भी मंदी की तरफ बैठा हुआ है। और यही रीज़न है कि बाज़ार नीचे नहीं आ रहे हैं। और यही नहीं कि फंडामेंटल्स कुछ ज़्यादा बड़ा ही चेंज हो गया। हालांकि क्रूड ऑयल काफ़ी सॉफ्ट हुआ है, वो एक इकोनॉमी के लिए काफ़ी अच्छा है। हालांकि जो लोग इन्फ्लेशन को ट्रैक करते हैं तो अमूल और मदर डेयरी दोनों ने जो है दूध के प्राइस बढ़ा दिए हैं, जो कल से इफेक्टिव होंगे, और तकरीबन 2 रुपये पर केजी के हिसाब से बढ़ा दिए। तो ये बता रहे हैं कि जो फूड इन्फ्लेशन है वो अभी लगातार बढ़ती जा रही है। तो ऐसा कोई इंडिकेशन नज़र नहीं आ रहा है कि हम ये कहें कि भाई फंडामेंटल्स बहुत अच्छे हो गए। लेकिन एक बात है कि जो लिक्विडिटी 2020 में छपी थी, जो उसको थोड़ा सा कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है सेंट्रल बैंक्स के माध्यम से वर्ल्ड वाइड, लेकिन वो अभी भी इतनी पर्याप्त मात्रा में है कि बाज़ार को इस तरीके से खींच रही है। और सीधी सी बात यह है कि मैंने जो आपके साथ एनालिसिस किया था लास्ट, उसे मैंने कहा था कि भाई अभी गर्दन जो है वो बियर्स की जो है मरोड़ रखी है बुल्स ने, और बुल्स वही लोग हैं जो अभी पिछले 1.5 महीने पहले बियर्स पोजीशन बनाए हुए थे, और उन्होंने उस निराशा वाले माहौल से बाज़ार को एकदम तेज़ी की तरफ मोड़ दिया। और मंदी में तेज़ी का एहसास और तेज़ी में मंदी का एहसास। अब बहुत सारे लोग हमसे पूछ रहे हैं कि भाई सर ये वापस कब होगा। तो अभी हमें ये लगता है कि देखो, तेज़ी करने में तो रिस्क है, स्टॉक स्पेसिफिकली कर सकते हो, लेकिन अगर आप इंडेक्स बेसिस पे कहोगे कि जी तेज़ी करनी है तो बड़ा रिस्की है। मंदी करनी है वो भी लिटिल बिट रिस्की है। बाज़ार अभी कंसोलिडेट करेगा। तो जिन लोगों ने, देखिएगा, मंदी करने के भी बड़े तरीके हैं। जिन लोगों ने FNO में शॉर्ट्स पोजिशंस ली हुई हैं उनके लिए क्या तरीका है, उन्होंने अगर शॉर्ट्स पोजीशन ली है मंदी की, जिन्होंने पुट खरीदी हुई हैं और नियर पीरियड की खरीदी हुई हैं, उनके लिए तो भैया रिस्क है ही, क्योंकि उनका टाइम पीरियड बीत गया, पुट की वैल्यू ख़त्म हो गई। नियर फ्यूचर्स की पुट है, बाज़ार नीचे आ गया तो ठीक है, अदरवाइज वो पैसे गए। जिन लोगों ने पुट अगले महीने की खरीद रखी है, उनके पास चांसेस हैं कि बाज़ार अगले 20-25 दिन के अंदर एक बार डिप देने का जो है चांसेस लगता है, क्योंकि जो इतनी बड़ी रैली हुई है ये लोग भी प्रॉफिट बुक एक बार तो करेंगे। तो जैसे ही पोज होगा, एक प्रॉफिट बुकिंग का मौका जैसे ही मिलेगा, तो जो अगले महीने के एंड तक पुट के होल्डर्स हैं उनको शायद इतना ज़्यादा दिक्कत ना हो। जिन लोगों ने फ्यूचर्स में सीधे शॉर्ट्स प्ले कर रखे हैं उनको M2M का रिस्क तो है कि भाई जो M2M रोज देना है, बट उनको भी अगर बाज़ार एक बार नीचे आ जाएगा तो वो भी एक प्रॉफिटेबल एग्जिट मिल जाएगा उनको। जिस तरीके से शेयर्स खरीदने के बाद 10-20% नीचे चले जाते हैं, उसी तरीके से FNO की पोजीशंस अगर आपने शॉर्ट कर रखी हैं फ्यूचर्स में, तो आपको 100 रुपये तो एक्स्ट्रा, मतलब बैंक निफ्टी में आप एक महीने से दूसरे महीने में रोल ओवर करोगे तो शॉर्ट्स पोजीशंस में 100-150 रुपये तो आपको एक्स्ट्रा मिल जाते हैं। 12 महीने में बात करोगे तो 1800 रुपये तो आपको वैसे ही मिल रहे हैं। बट बात ये होती है कि FNO की पोजीशंस को शॉर्ट रख पाना के लिए मार्जिन बहुत चाहिए, और जिन लोगों ने स्टॉप लॉस नहीं लगाए हैं उन्हीं की पोजीशंस फंसी हुई है, और जिन लोगों ने स्टॉप लॉस लगाए थे वो तो देखिए एक एग्जिट करके होंगे और बाज़ार की मूवमेंट में प्ले कर रहे होंगे। तो बाज़ार के अंदर मैं तो ये मानता हूँ कि अभी मैं आपको फ़िलहाल बताऊँ कि आज का दिन और जो फ्राइडे का सेशन था, इन 2 दिनों में हमने बाज़ार में केवल देखा है, इन्वेस्टमेंट के एंगल से नहीं बोल रहा, ट्रेड के एंगल से बोल रहा हूँ, कि ट्रेड के एंगल से अगर हम देखें तो 2 दिन के अंदर हमने कोई भी ट्रेड्स नहीं लिए हैं। और कोई भी ट्रेड्स क्यों नहीं लिए, रीजंस आपको बताते हैं कि अगर बाज़ार में अगर हम तेज़ी बनाते हैं इस टाइम पे तो गिरने का रिस्क बहुत ज़्यादा है, और बाज़ार स्टॉप लॉस काटने का टाइम भी देगा नहीं देगा, या ओवरनाइट पोजीशंस आप कैसे मैनेज करोगे। तो इंट्राडे में भी किसी भी समय पर बाज़ार नीचे का रुख कर सकता है। तेज़ी करने का मन इसलिए नहीं है कि ऊपर की तरफ इस तरीके की पोजीशंस में हम पहले भी डिस्ट्रीब्यूशन देख चुके हैं, और इस तरीके की पोजीशंस में जब हम कभी अगर पास्ट में अगर बात करें तो ऐसी तेज़ी के अंदर हम तेज़ी करते हुए फंस भी चुके हैं। तो कुल मिला के जो अपना एक्सपीरियंस है उसकी वजह से
हम ये मान के चल रहे हैं कि क्योंकि जो पोर्टफोलियो है, अगर बाजार में तेजी हो रही है तो वहां पे होने दो, और मंदी अभी करनी नहीं है। हालांकि मंदी करने में कोई दिक्कत नहीं है हेजिंग करने के लिए, और जो मंदी पुरानी हमारी पोजीशंस हैं मंदी की, ऐसा नहीं है कि नहीं है, लेकिन मंदी की पुरानी पोजीशंस हैं उनको भी हम कवर इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि हमारे पोर्टफोलियो के सामने एक तरीके से हेज मिल रहा है। हालांकि अब बाजार के अंदर हमें ये लगता है कि बाजार ओवर वैल्यूड है, बाजार में करेक्शन हो सकता है कि अभी थोड़ा सा लेट आए, क्योंकि जब सब लोग इंतजार करते हैं तब करेक्शन नहीं आती है। तो जब सब लोग संतुष्ट हो जाएंगे भाई अब करेक्शन नहीं आएगी, तब बाजार में करेक्शन आ सकती है, तो बहुत सारे लोग हमसे यही पूछना चाहते हैं। दूसरी बात यह है कि बाजार के अंदर एल्गो ट्रेड्स होते हैं, तो एल्गो ट्रेड्स में सीधी सी बात है ट्रेलिंग स्टॉप लॉस होते हैं, तो जैसे बाजार चल रहा होता है स्टॉप लॉस ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाता है। तो जब भी बाजार में करेक्शन आएगी एकदम जो भी डाउनफॉल होएगा, और जब ट्रेलिंग स्टॉप लॉस कट होंगे तभी बाजार के अंदर डाउनसाइड आपको देखने के लिए मिलेगी। अदरवाइज बाजार के अंदर अभी जो बुलिशनेस बनी हुई है उसमें ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का सारा गेम है, क्योंकि एल्गो में ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगे हुए हैं। मान लीजिए कि बाजार यहाँ से एक बार गिरना शुरू होता है तो फिर बहुत तेज़ी से गिर सकता है। याद होगा आपको अभी दो बृहस्पतिवार पहले जो है आपने देखा था कि बैंक निफ्टी उस समय 38,000 के आसपास चल रहा था, और 38,000 को तोड़ा था, थर्सडे का दिन था, और एक ही झटके के अंदर बाजार 15-20 मिनट के अंदर ही 37,200 या 37,300 के बीच में ट्रेड करता हुआ नजर आता है। रीज़न यही था कि एल्गो के अंदर जो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगे होते हैं, जब वो सौदे कटने शुरू होते हैं तो एक साइड जो है वो सेलिंग की स्टार्ट हो जाती है। तो जिन लोगों ने भी खरीद रखा है वो कहते हैं भाई अब हमारा बाजार ऊपर आ गया तो हम अपना स्टॉप लॉस ऊपर कर लेते हैं। तो जैसे ही वो स्टॉप लॉस कटते हैं तो वो सबके एल्गोज में स्टॉप लॉस कटते हैं। इसलिए मैं यही बोल रहा हूँ कि जब भी बाजार में करेक्शन आएगी बड़ी स्टीप आएगी, और रीज़न ये है कि जिन लोगों ने इतनी बड़ी तेज़ी कर रखी है वो जब भी प्रॉफिट बुक करेंगे 5 दिन में 10 दिन में, तब हमें लगता है 5-10 दिन से ज़्यादा का नहीं लग रहा हमें, और लास्ट वीक के अंदर जब एक्सपायरी होगी तो शायद पोजीशंस थोड़ी सी वाइंड अप होती हुई भी आपको नजर आएंगे। अगर वो अगले महीने रोल ओवर होंगी तो बात अलग है, उसके चांसेस मुझे कम लगते हैं, क्योंकि जो तकरीबन 2 महीने अगर पोजीशंस एक साइड चलती हैं तो उसके बाद जो बड़े प्लेयर्स हैं वो जनरली प्रॉफिट बुक कर लेते हैं और नॉर्मल फंडामेंटल्स के अंदर। तो अभी ऐसा है कि फंडामेंटल्स कुछ इंप्रूव हुए नहीं, रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ गए हैं। अब याद करिए 40 पैसे का रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ा था, बाजार का क्या हाल हुआ था, उसके बाद इंटरेस्ट बढ़ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बात यह कि बड़े प्लेयर्स की पोजीशंस किधर बनी हुई है, बाजार उस साइड जाएगा। और मैंने फ्राइडे के या सैटरडे के एनालिसिस में भी आपको ये बात बोली थी कि भाई साहब अब बाजार ने गर्दन मरोड़ रखी है, उनको पता है कि आप सब लोग जब बहुत मंदी देख रहे थे, जब मंदी थी 34,000 के आसपास था, हमने देखिएगा उस टाइम पर बुलिश पोजीशंस बनाई हुई, लेकिन इतना बुलिश हम भी नहीं थे जितना बाजार आज हो गया। उस समय मैंने आपको कहा था बैंकों के अंदर स्पेशली कि भाई बैंकों के रिजल्ट इतने ख़राब नहीं आएंगे जितना आप प्राइस देख रहे हैं, और मैंने कहा था कि 4 तारीख के बाद, यानी कि जो मैंने आपके साथ बात की थी, मैंने कहा 4 जुलाई के बाद बैंकों की स्टेटमेंट हानिशीर हो जाएंगी और जो है रुख बदलता हुआ नजर आएगा, लेकिन इतना बदलेगा इतना हमने भी एंटिसिपेट नहीं किया था। अब बाजार के अंदर आज क्या बात थी विशेष, आज बात ये थी विशेष कि बाजार ऊपर जाते हैं, निफ्टी तो बहुत अच्छे से होल्ड कर रहा था, बैंक निफ्टी में स्लाइटली प्रॉफिट बुकिंग थी, बैंक निफ्टी तो आज माइनस भी चला जाता, लेकिन HDFC बैंक को सामने खड़ा कर दिया गया था कि भाई आज बैंक निफ्टी को नहीं टूटने देना। तो आज बैंक निफ्टी के अंदर जो सारी कमान संभाल रखी थी वो HDFC बैंक ने संभाल रखी थी, और लास्ट के 15 मिनट के अंदर ICICI बैंक में भी एक अच्छी बैंक देखने के लिए मिली। क्लोजिंग अगर हम देखें कि किस तरीके की रही, तो देखिएगा निफ्टी की तो स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग आप देख भी सकते हैं 127 पॉइंट की, और निफ्टी हम जो आपके साथ बात कर रहे थे कि भाई ये जो कंसोलिडेशन का दौर रहेगा, यहाँ पे बाजार ने कंसोलिडेशन नहीं किया, हमने ये कहा था कि भाई यहाँ पे कुछ टाइम लगेगा, यहाँ पे बाजार ने टाइम बिता लिया। अभी भी एक कैंडल जो है ग्रीन कैंडल बनी है, हालांकि स्मॉल कैंडल है। अभी ये जो 18,000 के आसपास का जो रेजिस्टेंस है वो अब सामने दिखने लग गया है, तो यहाँ पर निफ्टी में अभी कोई वीकनेस के साइन नहीं है अभी तक, जो आज जिस तरीके का ट्रेड हो रहा था। लेकिन अगर तेजी में मंदी का एहसास की बात करें तो वो कभी भी आ सकती है, लेकिन जनरली इस लेवल के आसपास 18,000 के आसपास बाजार को लेके आए हैं तो बुल्स एक बार कोशिश जरूर करेगा अगर 18,000 को जो है अटेम्प्ट करें, जैसे आज डाउ जोन्स के अंदर एक एब्सोल्यूट नंबर्स के ऊपर बाजार को लेके गया है जाया गया है। अदानी पोर्ट, HDFC बैंक, रिलायंस, HDFC लाइफ और HDFC आज तेजी में थे, बाकी ग्रासिम, SBI, बजाज फाइनेंस, इंडालकोर, GSW स्टील मंदी में थे। एडवांस डिक्लाइन रेशियो काफ़ी पॉजिटिव थी, और HDFC का दिन था आज, आज HDFC ग्रुप का दिन था, HDFC लाइफ, HDFC बैंक, HDFC लिमिटेड और HDFC AMC सब के अंदर तेजी थी आज।
फिर अदानी पोर्ट, आइसर, भारत पेट्रोलियम, मारुति सुजुकी, ये सब तेजी के साथ काम कर रहे थे। ग्रासिम, हिंडालको, एसबीआई, भारतीय एयरटेल, जेएसडब्ल्यू, बजाज फाइनेंस, ये कमजोरी के साथ काम, हालांकि कमजोरी वाले शेयर्स गिने चुने थे आज। निफ्टी बैंक दिन भर जो है 39,100 और 200 के बीच में जो है ज़्यादा काम करता हुआ नजर आया। हालांकि सुबह एक बहुत अच्छी तेजी लग रही थी, लेकिन फिर शाम को दोपहर होते होते तकरीबन 11 बजे के आसपास ऊपरी लेवल से बाजार थोड़े से ढीले होते हैं और वहाँ प्रॉफिट बुकिंग देखने के लिए मिलती है। और देखिएगा बाजार अपनी रेंज के ऊपर ये जो गैप डाउन करके गया है, बाजार शायद इसको एक बार चेक करने के लिए आ सकता है। लेकिन अभी बाजार में जो बुलिश सेंटिमेंट है उसको अगर हम देखें वो कब पॉसिबल है, जनरली इस तरीके की जो कैंडल बनती है तो ये चांसेस रहते हैं कि एक बार या तो गैप डाउन या गैप अप हो। अब देखिएगा इससे पहले एक कैंडल बनी थी ये वाली 38,000, उसके बाद तो देखिए गैप अप हो गया था। यहाँ पर मैंने ये बात की थी कि भाई गैप अप या गैप डाउन, हमें ये लग रहा था कि ये चांसेस नीचे के भी हो सकते हैं। अब इस तरीके के ये जो है इसमें फिर वही चांस बनते हैं, जब इस तरीके की डोजी टाइप ऑफ कैंडल होती है गैप डाउन या गैप अप के चांसेस रहते हैं। तो बाजार तो देखिएगा अभी बुलिश मोमेंटम के अंदर है, लेकिन अब दो दिन है, वीकली एक्सपायरी में अगर हम बड़े प्लेयर्स ने मंदी बना रखी होगी तो हो सकता है कि बाजार में आपको एक डाउनसाइड नज़र आए। आज का दिन भर अगर हम दिन भर की बात करें तो मोस्टली ऐसा देखने के लिए मिला मुझे आज, तेज़ी से ज़्यादा क्या चीज़ ज़्यादा लगी वो बताता हूँ कि जो बड़े प्लेयर्स हैं जिन्होंने तेज़ी की हुई है वो अपनी पोजिशन तेज़ी की तो छोड़ नहीं रहे हैं, तो जो मंदी वाले लोग हैं जिन्होंने मंदी कर रखी है वो लोग आज दिन भर धीरे धीरे जैसे ही बाजार नीचे की तरफ आ रहा था अपनी शॉर्ट पोजीशन को कवर कर रहे थे। तो बाजार अक्सर तब वापस आते हैं जब शॉर्ट्स पोजीशंस वाले लोग अपनी पोजीशंस कवर कर लेते हैं, पर मुझे लगता है कि एक दिन में सारी शॉर्ट्स पोजीशन तो कवर होंगी नहीं, तो अभी शॉर्ट पोजीशंस कवर करने में एक दो दिन का समय और लगेगा, और इससे ज़्यादा भी लग सकता है। तो इस वजह से हमें बाजार अभी कंसोलिडेशन वाला लग रहा है। मेरे से अगर आप पूछेंगे कि भाई बाजार में तेज़ी लग रही है मंदी लग रही है, मैं ये कहूँगा कि बाजार कंसोलिडेट करेगा, बाजार ऊपर की तरफ जाएगा तो जिन लोगों ने तेज़ी कर रखी है वो अपनी पोजीशंस को थोड़ा हल्का करना चाह रहे हैं। बाजार नीचे की तरफ आ रहा तो जिन्होंने मंदी कर रखी है क्योंकि उनके रोज़ एम टू एम जा रहे हैं वो भी सोच रहे हैं कि यार मंदी की मान लो 50 पोजीशंस हैं तो चलो मंदी की 50 पोजीशंस को रिड्यूस करके 40 पोजीशंस पे या 45 पोजीशंस पे ले आएँ। तो इस तरीके की जब कार्रवाई चलती है तो बाजार जनरली एक सीमित दायरे में एक कंसोलिडेशन के मामले में रहता है। और फिर भी अगर आप मेरे से पूछें कि भाई बाजार में अपसाइड या डाउनसाइड के चांसेस, तो देखिएगा बाजार में अपसाइड या डाउनसाइड के चांसेस अब इक्वल है। ऐसा नहीं है कि भाई बाजार एकदम सीधा सीधा चलता ही रहेगा, और हालांकि देखिएगा चला है उसी तरीके से, लेकिन ये लोग जिन्होंने यहाँ पे माल खरीदा है, 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 वो अच्छे खासे प्रॉफिट में, उनको भी एक रिस्क रहता है, उन्होंने भी अपनी पोजीशन हेज तो कर रखी होगी, तो उन्होंने अपनी जो पोजीशन हेज कर रखी है तो वो अपना माल ऑफलोड करेंगे तो सही, अब इस हफ्ते करेंगे, अगले हफ्ते करेंगे, या इंटरनेशनल मार्केट में कभी कोई सुगबहाट नजर आएगी तब करेंगे, ये तो पक्का है कि प्रॉफिट बुकिंग तो होगी, लेकिन वो भी और ऊपर ले जाके होगी या यहीं पे होगी, ये भी आने वाली एक दो कैंडल्स के बाद आपको पता चलेगा। अभी बाजार में कोई ऐसा खास वीकनेस के साइन नहीं मिल रहे हैं, खास तेजी भी नहीं नज़र आ रही, इसलिए हमें कंसोलिडेशन नज़र आ रहा है कि बाजार एक बार नीचे जाए एक बार ऊपर जाए, आज भी वही हुआ है दिन भर निफ्टी बैंक के अंदर तो स्पेशली, हालांकि निफ्टी ने थोड़ा आउट परफॉर्म किया। HDFC बैंक आज 148 पॉइंट्स की तेजी है, अगर आप देखिएगा निफ्टी बैंक की अगर तेजी देखिए 197 पॉइंट की, तो उसमें अकेली 148 पॉइंट्स की HDFC बैंक की है, ICICI बैंक, बंधन, एक्सिस और कोटक, ये सब तेजी में थे, SBI, बैंक ऑफ बड़ौदा, फेडरल बैंक कमजोरी में थे। इसके बाद अगर हम बात करें FIIs के डेटा, FIIs के डेटा अभी भी जो है इम्प्रेसिव बने हुए हैं। इम्प्रेसिव कैसे, 1376 करोड़ की बाइंग की, हालांकि जो बाइंग उनकी पिछले दो दिनों में थी उससे थोड़ी सी कम है, और 136 करोड़ की DIIs ने सेलिंग, तो DIIs भी सेलिंग के मूड में तो नहीं है। उसके बाद अगर FIIs के इंडेक्स फ्यूचर्स की बात करें तो उन्होंने 225 करोड़ की बाइंग की, हालांकि पिछले जो दो दिन की बाइंग से उसके मुकाबले में थोड़ी सी कम है। उसके बाद इन्होंने यहाँ पर आज जो है इंडेक्स की जो ऑप्शंस हैं उसमें थोड़ी सी सेलिंग की है। उसके बाद स्टॉक फ्यूचर्स में फिर एक इम्प्रेसिव बाइंग जो है देखने के लिए मिली है 1314 करोड़ की। तो FIIs के जो डेटा है वो काफ़ी ज़्यादा मजबूत हमें नज़र आ रहे हैं। उसके साथ साथ अगर पुट कॉल रेशियोज भी बात करें तो पुट कॉल रेशियोज भी बुलिश ही जो है साउंड कर रही है। इसके साथ डाउ जोन्स की बात करें तो ये भी बुलिश ही साउंड कर रहा है, और 34162 पर जो है भी डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज काम कर रहा है, 0.74% की तेजी है। ब्रांड क्रूड के हिसाब से भी देखेंगे तो ब्रांड क्रूड भी ये बता रहा है कि भाई मैं तो 100 से तो ₹8 नीचे आ गया, $8 नीचे आ गया, यानी कि जो महंगाई की बात है हो रही है, तो महंगाई शायद उतनी आपको असर ना करे, थोड़े समय में महंगाई का जो बर्डन है
वो भी रिड्यूस होता हुआ नजर आया। हालांकि मैंने अभी जैसे आपको बताया कि अमूल और मदर डेरी ने कल से, यानी कि आज तो हम 16 तारीख में बैठे हुए, 17 तारीख से जो है मदर डेरी और क्या नाम अमूल दोनों ने जो है अपने मिल्क के जो प्राइजेज हैं वो इंक्रीज कर दिए। इसी तरीके से अगर हम बात करें कि निफ्टी के अंदर किस तरीके की ऑप्शन चेन है, तो देखिएगा जो कॉल राइटर्स हैं वो अभी इतने अग्रेसिव नहीं है, पुट राइटर ज़्यादा अग्रेसिव है। 17,800 की पुट में आज 82,000 कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, लेकिन जहाँ पर बाजार खड़ा हुआ था 17,800 के ऊपर जाने के बाद भी 1,77,000 कॉन्ट्रैक्ट्स हैं 17,800 की कॉल के अंदर। तो यहाँ पे 17,800 पे रोकने की तो कोशिश की है, लेकिन अभी ये क्योंकि लास्ट के आधे घंटे के अंदर ही ये प्राइस ऊपर की तरफ आए थे 17,800 के, तो ये कहना मुश्किल है कि भाई ये एक तरफ है। हाने की मंदी करने वाले भी जो है पोजीशंस थोड़ी सी बना रहे हैं, लेकिन फिर भी जिन लोगों ने तेजी कर रखी है उनके सामने अभी भी कम है। और इसी तरीके से अगर बैंक निफ्टी के अंदर बात करें तो यहाँ पे तो कॉल अनवाइंडिंग हो गई और कॉल राइटिंग कोई ज़्यादा है नहीं कहीं पर भी, ना 39,000 के ऊपर भी ज़्यादा कॉल राइटिंग नहीं है। जबकि पुट राइटिंग की बात करें तो पुट राइटिंग भी अगर 39,000 पे देखें तो 83,000 कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, और अगर बैंक निफ्टी में देखें तो जो मेजर कॉन्ट्रैक्ट्स हैं वो 39,500 पे 91,000 कॉन्ट्रैक्ट्स। हालांकि यहाँ पर कॉल राइटिंग है तो सही 39,000 के ऊपर, लेकिन सेम टाइम पर अगर आप देखें तो पुट राइटिंग भी अच्छी है, 39,200-300 पे पुट राइटिंग भी अच्छी हो रखी है। और नीचे की साइड में जो पुट हैं अगर आप देखेंगे 39,500 या इधर, तो इधर हालांकि राइटिंग है नहीं क्योंकि प्रीमियम भी ज़्यादा नहीं थे। तो आज की चर्चा यहीं तक, और इस एनालिसिस में केवल इतना ही। और आपको वीडियो कैसी लगी ज़रूर से ज़रूर मुझे बताइए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।